शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। एंड दैट इज व्हाई योर ऑनर, इस एस्टीम कोर्ट से मेरी ये दरख्वास्त है कि इन सारी फैक्ट्स को, सारी बातों को मद्देनजर रखकर अपना फैसला सुना। इस अदालत की कार्रवाई परसों तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक मिनट रानी, चल रानी रुकिए। सुरेखा जी, क्या बात है, आज आपकी बोलती की बंद है? आपकी तो जुबान और हाथ बहुत चलते हैं। कहिए, मुझे मारे हुए थप्पड़ की गूंज इस अदालत के कलियारों में सुनाई दे रही है ना? कहकर गई थी मैं आपसे कि काम्या अपना अपमान न भूलती है और ना ही भूलने देती है। काम्या, झूठ की बुनियाद पर जो लोग जिंदगी गुजारते हैं वो कुछ दिनों के लिए तो हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रोना जरूर पड़ता है। और हाँ, एक बात और काम्या, तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो एक दिन उसमें जरूर खुद ही गिरते हैं। मेरी ये बात भी उस थप्पड़ की तरह याद रखना। आज के दिन के तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने क्लाइंट्स के केस को काफी मजबूती से पेश किया। हर पल सच और झूठ का रंग बदल रहा था। काम्या पराशद के लगाए गए आरोप क्या साबित हो पाएंगे या प्रिंस थापर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? अगली सुनवाई परसों तक टाल दी गई है। अगले दो दिन के लिए ये केस सुर्खियों में लगा रहेगा और घर घर की चर्चा का विषय बन जाएगा। आपको क्या लगता है मिस्टर कोहली, आज जिस तरीके से कोर्ट में केस चला उससे? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा थापर साहब, अब तक जो कुछ भी चल रहा है वो काम्या की फेवर में ही चल रहा है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मिस्टर प्रिंस को काम्या ने ही अपने घर पर बुलाया था और ये उसी का प्लान था। ये साबित करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन मिस्टर कोहली, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, हम यूं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। मैं भी यही सोच रहा हूं कि हम किस तरह से ठोस सबूत जुटाएं। ठोस सबूत तो काम्या खुद है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलेगी और अगली हियरिंग तक कोर्ट का फैसला भी हो जाएगा। मिस्टर प्रिंस, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। श्योर। काम्या पराशद के लगाए गए आरोप क्या साबित हो पाएंगे या प्रिंस थापर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने क्लाइंट्स के केस को काफी मजबूती से पेश किया। हर पल सच और झूठ का रंग। काम्या, जस्ट चेयर
देखो प्रिंस को जरूर सजा होगी, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ट्रस्ट मी। उसे तो सजा मिल जाएगी, लेकिन मेरे वजह से ये जो तुम्हारा नाम उछल रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कम ऑन कामिया, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए अगर मेरा नाम बदनाम भी होता तो क्या हुआ? देखो पति और पत्नी का नाम सुख दुख में जुड़ा होता है कि नहीं? For God's sake, तुम उदास अच्छी नहीं लगती। अपने मूड को ठीक करो। I like you smiling। देखो प्रिंस को जरूर सजा मिलेगी, और जिस दिन प्रिंस को सजा हुई उस दिन अभय पराशर एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेगा, बिग पार्टी। क्यों भाई, अगर जीत होगी तो जश्न तो होना ही चाहिए ना? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मिस्टर प्रिंस को कामया ने ही अपने घर पर बुलाया और ये उसी का प्लान था। ये साबित करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिस्टर प्रिंस, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। जूस पी लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या बात है प्रिंस, आप कुछ सोच रहे हैं? रानी, अपनी आंखों के सामने सच्चाई की हार होते देखनी पड़ेगी। मंजिल के इतने करीब आकर आप अगर यूं निराश हो जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? आप तो जानते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हार नहीं। झूठ को चाहे कितनी मजबूती से सच्चाई के सामने ला के पेश कर दिया जाए लेकिन वो सच के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। ज़रूरत है तो बस एक ऐसे हकीकत की जो हम लोगों के सामने ला सके। उसके लिए कुछ सोचना होगा, कुछ तो तरीका होगा ना, कोई तो रास्ता होगा प्रिंस। रास्ता है रानी, मेरे वकील मिस्टर कोहली ने एक रास्ता निकाला है, लेकिन पता नहीं कि वो रास्ता ठीक है या गलत। उन्होंने कहा है कि फिर से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे कामिया ने की थी, लेकिन इस बार मुझे अटेम्प्ट करना होगा। और फिर आदमी टीवी कैम देखे ये सब बातें रिकॉर्ड कर रहा होगा, शायद वो सच्चाई उगल दे। लेकिन रानी, ये सब करने के लिए मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं झूठ का सहारा लेके सच्चाई को साबित नहीं करना चाहता। मैं अपने असूल और संस्कारों से हटकर ऐसी कोई सच्चाई नहीं साबित करना चाहता जो बाद में मुझे परेशान करे। प्रिंस, अगर सच्चाई साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो हमें नहीं लगता उसमें आपके संस्कारों या असूलों को ठेस पहुंचनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी तो सुग्रीव का साथ देने के लिए बाली पर छुप कर वार किया था, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि वो सच्चे थे। तो हम क्या चीज़ है, हम तो सिर्फ इंसान हैं और हम तो जानते हैं कि यही सच है। प्रिंस, एक बार सोच के देखिए, हमें नहीं लगता कि आप जो कुछ भी करेंगे वो गलत करेंगे। आखिर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ना। हे भगवान, तुझे ये कैसी नाराजगी हो गई है हमसे, हमारी खुशियों से, मेरे बच्चों की खुशियों से। सबसे पहले मेरे राज को गोली लगी, उसके सर पर मौत साया बन के मंडराई है, अब उस शरीफ बच्चे के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम, उस पर से
इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तू ऐसा क्यों कर रहा? तू हर कदम पर हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? लेकिन भगवान, तू भी देख लेना, हम तेरी हर परीक्षा पर खड़े उतरेंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिम्मत हार जाए। कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, हम भी अपनी सुबह होने का इंतजार करेंगे, उजालों का इंतजार करेंगे। बस तू अपनी कृपा रखना, सब ठीक कर दे। कहाँ तुम? तुम जानते तुम्हें कितनी देर हो गई घर से गए? घर पर मेरा बहुत दम घुट रहा था अबे, इसलिए शॉपिंग के लिए चली आई। You know ना बेबी, तुम्हारी कितनी चिंता हो जाती है मुझे। जल्दी घर आओ। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। बाय। बाय। जीत गई कामे, तुमने हरा दिया मुझे। इनफैक्ट मुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं किससे मुकाबला कर रहा हूं। ये क्या? प्रिंस जेट थापर की आवाज में मुझे इतनी बेचारगी सुनाई दे रही है? ये बात जो तुमने मुझसे अभी कही है ना प्रिंस, यही बात सबके सामने कहनी होगी। जरूर कहूंगा, लेकिन लगता है मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल, सरप्राइज सरप्राइज, सरप्राइज देने का हक सिर्फ तुम ही नहीं, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया खुद से मिलने के लिए, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। और मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी जज्बातों को समझ लेना चाहिए था। तुम इन बाहों में आना चाहती थी ना? Stop it, Prince. Stop it. मुझे जाने दो। What do you mean, stop it? तुम ही तो कहती थी कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और उस दिन तुम वो क्या वर्ड यूज कर रही थी? तड़प, जलन, प्यार। लीव मी। तीसरे की क्या जरूरत है? बोलो क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम भी तो यही चाहती हो, और अब जब मैं ये कर रहा हूं तो तुम भाग रही हो। तुमने मुझ पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया था ना, बद से बदनामी बुरी। अब जब मैं बदनाम हो ही गया हूं तो क्यों ना मैं उस झूठ को सच में बदल दूं? कम से कम ये तो रहेगा कि मैं बेफजूल सजा नहीं काट रहा। और वैसे भी जब तुम राजी मैं राजी,
तो फिर ये रेप कैसा? प्लीज तुम ऐसे कैसे कर सकते? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। क्या हुआ आज तुम्हारी आवाज में अचानक? ये बेचार की कैसे? देखो प्रिंस, मुझे मुझे तुमसे कोई लेना देना? लेकिन मुझे लेना देना है, मैं उस जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया ही नहीं है? हेलो काम्या, अरे तुम मुझे यूं क्यों तड़पा रही हो? उस दिन तो भाने से तुमने मुझे अपने घर बुलाया था, और आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो तुम यूं चिपती फिर रही हो? मेरी बात तो सुनो, तुम इतना घबरा रही क्यों? भाई देखो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं केस हार गया हूं, लेकिन तुम जीत कर भी हार जाओगी। शादीशुदा हो ना? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। नहीं प्रिंस, प्रिंस प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्रिंस, प्लीज। कैसे छोड़ दूं? अब जो तुमने इल्जाम लगाया है भुगतना तो पड़ेगा ही। प्रिंस मैं सारे इल्जाम वापस ले लूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझ पर कभी बुरी नजरें नहीं डाली। लेकिन अब तो डाल रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे कहने से क्या मेरे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे? हाँ बोलो काम्या, मेरी इज्जत क्या मुझे वापस मिल जाएगी? बोलो, मेरा परिवार, रानी, मेरे माँ बाप, इन दिनों वो हजारों मौत मरे, क्या वो मुझे पल लौटा सकती हो? बोलो काम्या। I'm sorry. I swear I'm very sorry. मैं बदले की आग में पागल हो गई थी, पाने के जुनून में मुझे अच्छे बुरे का क्या लेना। कैसे छोड़ूं? जो कांटे तुमने बोए हैं वो तो तुम्हारे पैरों में भी चुभेंगे। तुमने मुझ पर केस बनाया था ना, मोलेस्टेशन का केस, हाँ, कि मैंने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की है। अब मैं करूंगा तुम्हारा रेप, और वैसे भी जिस औरत को अदालत में अपनी इज्जत उछालने में मजा आता है उसे क्या फर्क पड़ता है काम्या? हाँ काम्या, क्या हुआ? अरे प्रिंस, मेरी बात तो सुनो। नहीं प्रिंस, प्लीज प्लीज प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो प्रिंस। मैं अदालत में सबके सामने कह दूंगी कि मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ है। मैं कह दूंगी कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि अबे घर पर है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैंने बहाने से तुम्हें अपने घर बुलाया था, मैंने बहाने से तुम्हें बेडरूम में भेजा था। मैं सबसे कह दूंगी प्रिंस, सब कुछ मैंने ही किया। नहीं प्रिंस, प्रिंस सारी गलती मेरी है, मैंने ही अपने कपड़े फाड़े, मैंने ही सब कुछ किया, मेरी ही गलती है प्रिंस। तुम निर्दोष हो, तुम बिल्कुल निर्दोष हो, प्लीज मुझे माफ कर दो मिस्टर प्रिंस।